Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we will be discussing a very important topic, that is breech presentation. Friends, many of you have requested me to upload a video on this topic, and since this topic is also most frequently asked in your examination, that is why I thought of discussing this topic with you all. So yes, let's start discussing breech presentation. Also friends, agar aap obstetrics, gynecology aur surgery ki upcoming lectures miss nahi karna chahte hain, to please Medicure Buddy ko jaldi se subscribe kar dijiye. Chaliye ab hum discuss karna shuru karte hain. First of all, here it has been mentioned, in breech presentation the lie is longitudinal and the podalic pole presents at the pelvic brim. It is the most common malpresentation. So friends, यहाँ पर एक बहुत important question है जो कि PG में भी पूछा जा सकता है, that what is the most common malpresentation that can be seen during pregnancy. So ये malpresentation जो सबसे frequently देखा जाता है, that is breech presentation. And breech presentation में जो lie है वो तो longitudinal होती है, बट जो पोडालिक पोल है, पोडालिक दैट मीन्स फीट, तो जो फीट वाला हिस्सा होता है फीटस का, वो कहाँ प्रेजेंट करता है? वो प्रेजेंट करता है पेल्विक ब्रिम पे. जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, इन सारे फीटसेस में जो इनका फूट वाला रीजन है वो नीचे की तरफ है, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंटिंग टुवर्ड्स द पेल्विक ब्रिम. नाउ अगर हम इंसिडेंस की बात करें, तो इंसिडेंस ये इट इज अबाउट 20% एट 28th week. 28th week पे ये 20% होता है, बट इट ड्रॉप्स टू 5% एट 34 weeks और 3-4% एट टर्म. बिकॉज कई बार ऐसा होता है दैट इसका जो स्पॉन्टेनियस करेक्शन होता है, 3 out of 4 का, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, 3 out of 4 जो कंडीशन होती है, जो इंसिडेंस होता है इसका, वो ऑलरेडी करेक्ट हो जाता है स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद से उसका करेक्शन हो जाता है इनटू वर्टेक्स पोजीशन. अब वर्टेक्स पोजीशन क्या होती है? सपोज दिस इज द यूटरस, और अगर जो बेबी है, जो फीटस है, उसका हेड इस तरफ लाई कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है फीटस का, so this is known as vertex position. And ये वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जहां पर foot जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, that is known as breech presentation. Now friends, now that we have discussed what is breech presentation, अब हम discuss करते हैं इसकी कुछ varieties. So let's discuss the types of breech presentation. यहाँ पर लिखा हुआ है there are basically 2 types of breech. The first one is complete breech and the another one is incomplete breech. First of all, complete breech की अगर हम बात करें, तो complete breech is known as flexed breech. ये complete breech का alternative name है. The normal attitude of the full flexion is maintained. Thighs are flexed at hip and legs at knees. So यहाँ पर हमें thighs में और लेग्स में, एट नीज, दोनों जगह हमें फ्लेक्शन की कंडीशन देखने को मिलती है. दैट इज व्हाई हम इसे फुल फ्लेक्स्ड कंडीशन बोलते हैं, एंड इट इज नोन एज अ फ्लेक्स्ड ब्रीच. नाउ अगर हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें, सो हियर द फिगर बी विच इज दिस वन, दिस रिप्रेजेंट्स कंप्लीट ब्रीच, जिसको हम लोग फ्लेक्स्ड ब्रीच भी कह सकते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्स्ड ब्रीच, जहां पर जो थाइस है, दैट मीन्स जो हिप रीजन है और जो नीज का रीजन है, दोनों में हमें क्या चीज देखने को मिल रही है? हमें दोनों में ऑब्जर्व हो रहा है फुल फ्लेक्शन. नाउ अगर हम प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, आपको इसे समझने के लिए इस बेबी को एक यूटरस में ऑब्जर्व करना पड़ेगा. नाउ यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? द प्रेजेंटिंग पार्ट कंसिस्ट्स ऑफ 2 buttocks. दैट मीन्स ये बताना चाह रहा है दैट प्रेजेंटिंग पार्ट, समथिंग दैट विल फर्स्ट ऑफ ऑल कम आउट ऑफ द यूटरस ड्यूरिंग डिलीवरी, वो क्या होगा?
तो टू बटक्स एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड टू फीट। तो आप इसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज द यूटरस और जब यहाँ से डिलीवरी होगी तो सबसे पहले इसके बटक्स बाहर आएंगे, देन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड देन इसकी टू फीट, जो इसकी फीट है ये बाहर आएगी। सो दीज आर द थिंग्स विच विल बी प्रेजेंट ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ दिस फुल फ्लेक्स्ड फीटस। इट इज मोस्ट कॉमनली इन मल्टी पैरा। नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है दैट कॉमनली प्रेजेंट होता है ये मल्टी पैरा में, 10% केसेस में ये चीज हमें देखने को मिलती है। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीट ब्रीच, जिसको हम फ्लेक्स्ड ब्रीच कहते हैं, जिसमें हिप रीजन और नी रीजन दोनों जगह फ्लेक्शन होता है, और प्रेजेंटिंग पार्ट जब डिलीवरी होती है तो क्या बाहर आएगा, बटक्स बाहर आएंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और टू फीट, ये चीजें बाहर आती हैं और ये ज्यादातर मल्टी पैरा में देखने को मिलती है। आप इसे याद कैसे रख सकते हो कि जो मल्टी पैरा होती है, ऐसी फीमेल हु हैज अंडरगॉन मल्टीपल डिलीवरीज, तो उसका जो यूट्रस होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल हो चुका होता है। दैट इज वाई इतने सारे कंटेंट्स, बटक्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और फीट, ये सब एक साथ एज अ प्रेजेंटिंग पार्ट बाहर आ सकते हैं। नाउ अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, विच इज इनकम्प्लीट ब्रीच, तो इसमें क्या होता है, इसमें वेरिंग डिग्री होती है एक्सटेंशन की थाइज या फिर लेग रीजन में एट द पोडालिक पोल। नाउ सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया गया है ब्रीच विथ एक्सटेंडेड लेग्स। यहाँ पर क्या है, ब्रीच है विथ एक्सटेंडेड लेग्स, इसको हम लोग फ्रैंक ब्रीच भी कहते हैं। ये वाली फिगर है फ्रैंक ब्रीच की, ठीक है, आप इसे देखकर समझ सकते हो जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो दिस इज द फ्रैंक ब्रीच। यहाँ पर क्या लिखा है, इन दिस कंडीशन जो थाइज है दे आर फ्लेक्स्ड ऑन द ट्रंक एंड लेग्स आर एक्सटेंडेड एट द नीज। तो जो थाइज है हमें उसमें फ्लेक्शन तो दिख रहा है, बट जो नीज है वो एक्सटेंडेड, नी जॉइंट पे हमें एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। सो हिप रीजन में फ्लेक्शन है और थाई रीजन में हमें यहाँ पर नीज के रीजन में एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें तो आप अब यहाँ पे तो खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे क्या बाहर आएगा, यहाँ पर बटक्स बाहर आएंगे एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विल बी द प्रेजेंटिंग पार्ट। सो यहाँ पर फिर से मेंशन किया गया है दैट द प्रेजेंटिंग पार्ट विल बी टू बटक्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज कॉमन मैल प्रेजेंटेशन विच कैन बी सीन इन प्राइमरी ग्रेविडा। ये प्राइमरी ग्रेविडा के केस में देखने को मिलता है अबाउट 70%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम चीजें बाहर आ रही हैं एट द प्रेजेंटिंग पार्ट, और क्योंकि जो फीमेल होती है फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट हुई होती है उसका यूट्रस बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होता बिकॉज इट हैज नॉट अंडरगॉन एनी प्रायर डिलीवरीज। सो इसलिए ये ज्यादातर प्रीवेलेंसेस का जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा में देखने को मिलता है, और इसका रीजन भी लिखा है टाइट अबडोमिनल वॉल, गुड यूटराइन टोन एंड अर्ली एंगेजमेंट ऑफ द ब्रीच। इसका जो एंगेजमेंट होता है वो भी जल्दी हो जाता है। Now let's talk about another one and that is footling presentation. Footling presentation 25% में देखने को मिलता है। Both legs and thighs are partially extended, bringing the legs to present at the brim. So यहाँ पर क्या होता है, footling presentation में leg present करते हैं और जो thighs होते हैं और legs होते हैं they are partially extended. तो फूटलिंग प्रेजेंटेशन देखिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट इज द फूट ऑफ द फीटस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन इज नी प्रेजेंटेशन। नी प्रेजेंटेशन क्या होता है, द थाइज आर एक्सटेंडेड बट द नीज आर फ्लेक्स्ड, ब्रिंगिंग द नीज डाउन एट द पेल्विक ब्रिम। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज दिस इज द फीटस और इसकी कंडीशन कुछ हमें इस टाइप की देखने को मिलती है, इसके जो नी रीजन है वो हमें एज अ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑब्जर्व होता है।
सो फीटस का जो नी रीजन है वो एज अ प्रेजेंटिंग पार्ट यहाँ पर हमें ऑब्जर्व हो जाता है. ऑल्सो हियर इट हैज बीन मेंशनड दैट जो लैटर टू वेराइटीज है ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होती है. अब अगर हम इसके क्लिनिकल टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर दो क्लिनिकल टाइप देखने को मिलता है, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड. अनकॉम्प्लिकेटेड अगर कोई भी अदर एसोसिएटेड ऑब्स्टेट्रिक्स कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जैसे ब्रीच के साथ अगर कोई भी और दिक्कत देखने को मिल रही है इन विच प्री मेच्योरिटी इज एक्सक्लूडेड, तो हम उस चीज को अनकॉम्प्लिकेटेड ब्रीच कहते हैं. पर वहीं अगर हम कॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो अगर कोई भी और एडवर्स कंडीशन जैसे कि प्रीमैच्योरिटी, ट्विन, कंट्रैक्टेड पेल्विस, प्लेसेंटा प्रीविया, इन सब का कोई भी केस है तो हम उसे कॉम्प्लिकेटेड ब्रीच कहते हैं. और इस ब्रीच की डिलीवरी के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और डिफिकल्टी एनकाउंटर होती है बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड ब्रीच है और ये कॉम्प्लिकेटेड और अब नॉर्मल ब्रीच डिलीवरी ये यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी सॉरी वेराइटीज एंड इंसिडेंस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन. फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट वीडियो आई बी शेयरिंग विद यू द इटियोलॉजी, हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसमें साइंस एंड सिम्टम्स कैसे आएंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो तो प्लीज जल्दी से मेडिक्योर बॉडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बॉडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. थैंक यू.